सोलो लेवलिंग एपिसोड 6 अभी देख के आया एंड रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट किया। बताओ कैसा लगा? शुरू से लेके एंड तक द एंटायर एपिसोड वाज सो फ्रिकिंग गूज़बम्प्स। अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो आई वुड से एपिक। एज अ मांगा रीडर मैं लिटरली जंप कर रहा था भाई, एंड स्पेशली जो लास्ट फाइट हुआ था ना, दैट वाज सो फ्रिकिंग सैटिस्फाइंग भाई, मजा आ गया। ये एपिसोड देख के मेरे से रहा नहीं गया और मैं रात 4 बजे मतलब ऑलमोस्ट 5 बजने वाला मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा। पूरे एपिसोड के ना 3 बेस्ट डायलॉग्स मेरे को लगे। जो फर्स्ट वन था, आई एम ऑलवेज लेवलिंग अप, दैट गोस सो हार्ड भाई। एंड दैट डायलॉग फ्रॉम जिनवू, 3 times यू ट्राइड टू किल मी फकिंग 3 times, नाउ यू वांट मी टू स्पेयर योर लाइफ, ना मुन्ना ना। एंड सब कुछ खत्म करने के बाद लास्ट वन, व्हाट हैपेंड इन डंजन स्टेज इन डंजन, स्ट्रेट 10/10 एपिसोड एंड इवन पिक्चर्स कुक्ड रियली हार्ड। तो चलो इसके बारे में A to Z खोल के बातचीत करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद ऑप्शन जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगतो गोजाइमास। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डोंगसुक और बाकी सारे बंदे वहां से चले आते हैं। वहां पर एक बंदा पूछता है ये सब करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो उनको मार ही सकते थे इजीली। डोंगसुक एक्सप्लेन करता है वहां पर फाइट करते तो वो स्पाइडर जाग जाते, स्पाइडर जाग जाते तो उनके साथ फाइट करना पड़ता और मेन बॉस को हराने के बाद डंजन गायब हो जाता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो अंदर जितने क्रिस्टल्स है उन लोगों को नहीं मिलते। वहां पर ऑन दी अदर साइड देखते हैं जिनवो और जिनहो दोनों वहां पर खड़े थे। हमारा जिनहो फाइट करने के लिए रेडी था, यहाँ पर स्पाइडर सी रैंक बॉस है, इसको हराने के लिए बी रैंक के हंटर की जरूरत है या फिर मिनिमम सी रैंक तो चाहिए भाई। अभी हम लोग को बताया जाता है संगजिनू का लेवल 18 हो चुका है, इससे पहले संगजिनू या डी रैंक के बॉस को हरा के रखा है। और आगे जो संगजिनू दिखाता है वो देखने के बाद सबका दिमाग फट गया, स्पेशली नॉन मानव रीडर्स। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है ना इतनी जल्दी इतना फास्ट, वो देख के स्वाद आ रहा है भाई। एवरी सिंगल एपिसोड के ना संगजिनू का वो डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं और इस वाले एपिसोड के ना तो हद पार कर दी भाई। जिनवो जिस तरह से मूव कर रहा था वो देख के लग रहा था वो वैनिश हो रहा है लिटरली भाई। ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट सी रैंक बॉस राइट, बट उसके रिफ्लेक्सेस देखने के बाद लग रहा है ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। वहां पर एक साइड में तो हमारा मेन कैरेक्टर पिलम्पाल करता है, दूसरे साइड जिनहो सोच रहा था भाई यहाँ पर चल कर आया, वो शॉक हो जाता है। यूज़ लाइक ऐसे रूमर्स मैंने सुन के रखा है कुछ रेयर इंडिविजुअल से जो अपने पावर को कंट्रोल करके अपने रैंकिंग को बहुत ही ज्यादा कम करके रजिस्टर करता है, जिसको जाना जाता है फॉल्स रैंकर्स के नाम से। और ये लोग बस यू नो मजे के लिए लोगों को मारता है। आगे हम लोग देखते हैं जिनहो यूज करता है कासाकास वेनम फैंग, उसके अंदर 2 एबिलिटी है, एक है पैरालिसिस एंड दूसरा है ड्रेन। अगर संग जिनहो कोई ओपोनेंट को इस वेनम फैंग से अटैक करेगा तो वो एक सेट टाइम के लिए मूव नहीं कर पाएगा और उसका जो HP है 1% करके एवरी सेकंड ड्रेन होते हुए जाएगा। जिनहो वहाँ पर सोच रहा था ये एबिलिटी काम आने वाला है, वेनम फैंग को यूज करके उसके वीक स्पॉट पे हम लोग अटैक करेंगे। बट सामने आता है प्लॉट, हम लोग देखते हैं स्पाइडर एक्चुअली में एसिड भी यूज कर सकता है और उस एसिड से क्या होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी एनिमे के अंदर देख के रखा। तो जिनवो डिसाइड करता है वो अपना एक स्किल एक्टिव करेगा एंड ही एक्टिवेटेड हिज डैश एंड इससे उसकी स्पीड 30% ज्यादा हो गई। और आगे जो हम लोगों ने देखा भाई, एनिमेशन वेंट बियॉन्ड इट्स लिमिट। इवन पिक्चर्स के ऊपर यार तुम लोग डाउट कर रहे थे फॉर रियल, आने से पहले मैं खुद डाउट कर रहा था फॉर रियल, बट They proved us so freaking wrong and I loved it. I'm freaking loving it, भाई. No complaints, भाई. मेरे को स्वाद आ गया एंड पूरे फाइट के चलते हम लोगों ने देखा जिनवो का कैरेक्टर डेवलपमेंट अगेन कैसे हुआ है। नॉन मानव रीडर्स तुम लोगों ने ज्यादा कुछ विटनेस नहीं किया, यहाँ पर जिनवो जस्ट यूजिंग इस 1% पावर, बिकॉज फ्यूचर में हम लोग जहां तक जाने वाला है ना उसके लिए यू गाइस आर नॉट रेडी। आगे हम लोगों ने देखा जिनवो सी रैंक के बॉस को एक के बाद एक स्टेप करता जाता है एंड एवरी सिंगल स्टेप के साथ साथ जो वेपन का एबिलिटी है वो काम करता है, ड्रेन प्लस पैरालाइज होता जाता है हमारा ओपोनेंट। फाइनली हम लोग डिफीट कर देता है डंजन के मास्टर को और हम लोग को मिलता है एक माना। वहां पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं डोंगसुक और बाकी सब लोग भी यहाँ पर आ जाता है, पर उन लोगों को यहाँ पर गलत फहमी होती है बिकॉज वो लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते ये लोग ना एक डंजन को बॉस को हराने वाला है, वो भी सी रैंक का डंजन। तो उनको लगता है ये जो बॉस है इसकी उम्र ज्यादा हो गई थी इसलिए हरा पाया और इसको अंजाम दिया हमारे डी रैंक का जिनहो, नॉट संग जिनहो। एंड डोंगसुक को लग रहा था जिनहो ऐसा किया, इसके पीछे रीजन उसका वेपन है जो बहुत ही महंगा एंड खतरनाक और इसके ऊपर उसकी नजर भी थी। आगे आता है इस एपिसोड का बेस्ट सीन, डोंगसुक बोलता है जिनहो तू संग जिनहो को मार दे और हमारे साथ आ जा, तेरे बचने का ये इकलौता ऑप्शन है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन बस एक ही है, वहां पर तुम दोनों को हम मार देंगे। और आगे हम लोग देखते हैं जिनहो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड सडनली हमारे मेन कैरेक्टर संग जिनहो के सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है, एक अर्जेंट क्वेस्ट आता है, वहां पर लिखा होता है वहां पर जितने लोग सामने से आ रहे प्लेयर के ऊपर अटैक करने के लिए उन सबको मारना पड़ेगा, अगर नहीं मारेगा तो उसको एक पेनल्टी मिलने वाला है और पेनल्टी कैसा होता है ये हम लोग को ऑलरेडी पता है सेकंड एपिसोड इफ यू रिमेंबर। बट वहां पर जिनहो कुछ करने से पहले फुल पोटेंशियल के साथ जिनहो को अटैक करता है, कुछ टाइम के लिए वो वहां पर गिरा था एंड अपने आप को सवाल कर रहा है मैं एक ऐसे दुनिया पे रहता हूँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रियलिटी, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस है, डिसेप्शन है एंड बिट्रेयल है। एक टाइम में वो पागल हो गया था, वो जस्ट कीप आस्किंग कि भाई हाउ, अरे हाउ हाउ बोलते बोलते जो वॉइस आर्टिस्ट रेज में चला गया था ना भाई, दैट वाज इनसेन। मैं देख के मजा आ गया, जिन लोगों को पता नहीं जिनवो का जो वॉइस आर्टिस्ट है जिनवो को वॉइस द टाइम ही वाज कफिंग ब्लड ब्रो, मतलब अपनी लिमिट क्रॉस कर दी वॉइस आर्टिस्ट ने यहाँ पर। आगे हम लोगों को दिखा दे जो सिस्टम है ना ये खुद चाहता है कि वो उन लोगों को मार दे, ये सिस्टम चाहता है जिनवो एक्चुअली में जिंदा रहे। वहां पर एक
अरे दादा अगर जिन वो लोगों को नहीं मारेगा तो हिज हार्ट विल स्टॉप, सो इट्स डू और डाई एंड देन द रियल फन बिगिंस, स्पेशली द फर्स्ट किल. Everyone was trying to attack him, but कोई उसको touch भी नहीं कर पा रहा था. वो lightning के speed से जा रहा था भाई. And every single kill was so freaking satisfying, bro. And especially the last one, जब Dongsuk बोलता है, मेरे को छोड़ दे, मेरे को जाने दे, मैं तेरे को सब कुछ दे दूँगा, double दूँगा भाई. But जैसे मैंने video के starting में बोला, last dialogue 3 times, you tried to kill me freaking 3 times. Now you want me to spare your life. This is what I love the most about the episode. And of course the dialogue, I am leveling up. And last kill में my satisfaction reached its peak. और आगे हम लोगों ने उसके बाद वो लोग वापस आ गए, वहाँ पर report कर रहे थे. सारे सी रैंक के बंदे मर गए और तुम डी और ई रैंक के बंदे जिंदा आ गए. और क्रेडिट चला गया गेन हमारे डी रैंक के जिन हो के ऊपर, बिकॉज उसका वेपन शील्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था. तुम लोगों को लग रहा था इस वेपन से कैसे भी करके फाइट करके वो लोग वापस आ गए. और आगे हम लोग देखते हैं जिन्हो को एक नया क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलता है जिसका नाम है मर्डरस इंटेंट. इसको यूज करके जिन्हो किसी भी एबिलिटी को हाफ में काट सकता है, मतलब कोई भी एबिलिटी 50% तक रिड्यूस हो जाएगा. और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म होता है, एंड में एक बंदे को दिखाया जाता है. इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में तुम लोग जानने वाला. मेरा काम स्पॉइलर देना नहीं है. मेरे लिए और हाँ, एक पॉइंट जिसके बारे में बोलना भूल गया, जब जिनू फाइट कर रहा था तब बैकग्राउंड में एक ओएसटी बज रहा था, वो मेरे को बढ़िया लगा. वो एक्चुअल में सही टाइम पे चल रहा था भाई, मैं वो दोबारा सुनने वाला. बाकी इस एपिसोड के बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पे दे सकते हो. वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में.